लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भोजपुरी सुपरस्टार रवि किशन के नामांकन में कार्यकर्ताओं की ताकत दिखाने के लिए सोमवार को गोलघर स्थित गोरखपुर जर्नलिस्ट एसोसिएशन में हिंदू युवा वाहिनी की बैठक आयोजित हुई। बैठक में हिंदू युवा वाहिनी के सभी 14 मंडलों के पदाधिकारी मौजूद रहे। सभी पदाधिकारियों को बीजेपी प्रत्याशी के नामांकन में शामिल होने के निर्देश दिए गए। बैठक में हिंदू युवा वाहिनी के अध्यक्ष रणजय सिंह, प्रभारी रामभुआल कुशवाहा, संयोजक ऋषि मोहन वर्मा, महामंत्री आशीष गुप्ता, संगठन मंत्री संजय शिराडकर, सह संयोजक राजेश सोनकर, वरिष्ठ उपाध्यक्ष वीर सिंह सोनकर, आशुतोष पांडे, अश्वनी सिंह सहित सैकड़ों की संख्या में हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए हिंदू युवा वाहिनी के प्रभारी रामभुआल कुशवाहा, संयोजक ऋषि मोहन वर्मा ने कहा, आदरणीय श्री वीर सिंह सोनकर जी उपस्थित है हमारे बीच में, महानगर के नगर श्री राघव जी, मंत्री श्री आशुतोष पांडे जी, श्री अश्वनी सिंह जी मंत्री एवं महानगर उपाध्यक्ष श्री कृष्ण श्रीवास्तव जी, श्री दादा प्रकाश गौड़ लगते हैं 14 नगर मंडल से पधारे हुए सभी प्रभारी, सभी नगर मंडल के पदाधिकारी। हिंदू युवा वाहिनी का एक संगठनात्मक ढांचा वार्ड के 70 महानगर के 70 वार्डों में इकाइयों के साथ खड़ा है, मजबूती के साथ खड़ा है। आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी के दृष्टिकोण से और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में जनता से मतदान करने की अपील करने को लेकर हिंदू युवा वाहिनी की तैयारी पहले भी चल रही थी और आज की ये बैठक महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि कल भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री रवि किशन जी का पर्चा दाखिला होना है और पर्चा दाखिला के बाद से चुनावी संघनाद होनी है और आज हिंदू युवा वाहिनी की महानगर की कार्यकारिणी की इस बैठक के बाद हिंदू युवा वाहिनी भाजपा के प्रत्याशी के पक्ष में अपने प्रचार प्रसार करने के लिए, मतदाताओं से अपील करने के लिए आज हिंदू युवा वाहिनी का एक संघनाद समझ लीजिए कि आज की इस बैठक से के हिंदू युवा वाहिनी महानगर की यह बैठक कल भारतीय जनता पार्टी के घोषित उम्मीदवार का नामांकन है और इस नामांकन में हिंदू युवा वाहिनी तैयारी बैठक कर रही है और सभी 14 मंडल और 17 वार्ड से और महानगर के सभी पदाधिकारी हमारे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे और यह बैठक भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को ऐतिहासिक मतों से जिताने के लिए यह बैठक बुलाई गई है और यह बैठक अपने आप में मील का पत्थर साबित होगा और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी रिकॉर्ड मतों से जीतेगा और पूज्य महाराज जी के द्वारा किए गए विकास कार्यों पर आप जनमानस से हम वोट मांगेंगे और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को विजयी बनाएंगे।